नमस्कार दोस्तों, स्टोरियम में आपका स्वागत है। इस किताब का लक्ष्य ये है कि ये हमें ऐसे दो लोगों की कहानी के बारे में बताए जिन्होंने परेशानियों में भी भले ही एक दूसरे के खिलाफ जाके दोनों ने भारत के लिए और उसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और 8 साल बाद सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 में। नेहरू उनके प्रारंभिक वर्षों में अलाहाबाद में रहते थे, जो तभी यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। बोस कटक उड़ीसा में रहते थे। दोनों अच्छे खानदान में पैदा हुए थे और उनके पिताजी लॉयर्स थे। नेहरू जी के अलाहाबाद में और बोस के कटक में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, जानकीनाथ बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी थे, वैसे तो अमीर नहीं थे मगर अच्छे खानदान से थे। सुभाष ने बढ़ते समय किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं की थी। हालांकि उनके पास खुद के टेनिस कोर्ट या स्विमिंग पूल नहीं थी, जो लग्जरी जवाहरलाल एंजॉय करते थे। जवाहरलाल उनके पहले 11 वर्षों के लिए एक लौते बच्चे थे और उन्हें उनके माता पिता और सभी लोगों से बहुत प्रेम मिलता था। सुभाष का बचपन भी अच्छा था मगर वे 9 बच्चों में से एक थे। इन सभी अंतरों के बाद दोनों परिवारों में शिक्षा का बहुत महत्व था, स्पेशली बेस्ट एजुकेशन जो इंग्लिश उन्हें दे सकती थी। बचपन की पढ़ाई में जवाहरलाल ने 15 साल घर में पढ़ाई की। पहले 2 इंग्लिश गवर्नेसेस ने पढ़ाया और फिर ये F.T. ब्रूक्स से पढ़े, जो एक यंग आयरिश फ्रेंच थियोसोफिस्ट थे। वही सुभाष को 5 साल की उम्र में स्कूल भेजा गया था, जो बाप्टिस्टन द्वारा चलाया जाता था। उन्होंने 7 साल उधर पढ़ाई की और फिर उनका एक दिन पत्र लिखने का मन किया और तब उन्होंने ये लिखा था, क्या वे सच्ची यहाँ खुश हैं? क्योंकि यहाँ पे अधिकांश बच्चे यूरोपियन और एंग्लो इंडियन हैं। इंडियंस 15% की माइनॉरिटी में है। इधर कोई भारत की भाषा सिखाई नहीं जाती मगर लैटिन डिक्लेंशन सिखाई जाती है। 7 साल बाद सुभाष को रावनशाह कॉलेजिएट स्कूल में डाला गया। इधर अधिकांश बच्चे और टीचर्स बंगाली या उड़िया बोलते थे। जहां सुभाष ने 12 साल की उम्र में बंगाली पढ़ना या लिखना सीखा नहीं था, वहीं जवाहरलाल के प्राइवेट संस्कृत ट्यूशंस में उन्होंने एक फेमस संस्कृत कॉलर गगननाथ झा से क्लासिकल भारत की भाषा सीखी थी। मगर ब्रूक्स से प्रेरित उनके मन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए इच्छा जागृत हुई। उन्होंने इस इच्छा में कई किताबें पढ़ी जो लेखक ने हमें इस किताब में बताई हैं, जैसे कि द प्रिजनर ऑफ जेंडा, 3 मेन इन अ बोट, मार्क ट्वेन और शेरलॉक होम्स। जवाहरलाल ने इस दौरान कविताओं में भी इच्छा उत्पन्न की। ब्रूक्स ने जवाहरलाल में साइंस के प्रति भी इंटरेस्ट जगाया। अर्ली टीन्स में उन्हें ब्रूक्स के कारण थियोसॉफी में भी छाने लगी। उन्होंने उनके पिताजी से बेसेंट्स थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करने की आज्ञा मांगी और मोतीलाल ने हंसी मजाक में उन्हें आज्ञा दे दी। मगर ये सिर्फ एक फेज था, क्योंकि जब ब्रूक्स उन्हें ट्यूटर करना बंद कर देते हैं, उनका थियोसॉफी में से इंटरेस्ट छूट गया और उन्होंने ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भी छोड़ दी। वहीं सुभाष के जीवन में एक शार्प कॉन्ट्रास्ट था। जब उनकी स्कूल शुरू हुई, उन्हें मुक्ति की भावना महसूस हुई। उन्होंने आत्मविश्वास प्राप्त किया, अच्छे दोस्त बनाए और उन्होंने उनके हेडमास्टर माधव दास में एक आइडल देखा। जब दास रिटायर हुए, वे सुभाष को प्राकृत पूजा का प्रेम देके गए। सुभाष कहते हैं, मैं नदी के किनारे पहाड़ियों में कहीं ना कहीं एकांत में, जहां मैं मोहिक सूर्यास्त देख रहा हूं, एक सौंदर्य स्थल चुनूंगा और यहां चिंतन करूंगा। उनके एडोलेसेंस में एक ऐसा फेज आया जब वे डिस्ट्रैक्टेड हुआ करते थे। उनका मन पढ़ाई से हट गया था और वे उनके सेक्सुअलिटी के बारे में जागरूक हो गए थे। ऐसे में वे एक ऐसे प्रिंसिपल के खोज में लग जाते हैं जो उन्हें सभी डिस्ट्रैक्शन से बचाए और जिसे वे अपने पूरे जीवन तक अपने साथ रख सके। पढ़ते पढ़ते वे विवेकानंदा के लेखन को पहुंचे और उनकी किताब पढ़ के सुभाष की खोज थोड़ी सफल हुई। उनका गुस्सा काबू में आने लगा। उनके लेखन से वे सीखते हैं कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद्दित्य, अपने मोक्ष के लिए और मानवता की सेवा के लिए। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के लेखन पढ़े, जिसमें उन्होंने सिंपल लिविंग और त्याग, जिसका मतलब सैक्रिफाइस, के बारे में सीखा। वे इनके लेखन से इतने उत्सुक थे कि उन्होंने बच्चों का समूह बनाया इनके लेखन और आइडियाज पे विचार करने के लिए। उनकी आत्मा में एक आग जग उठी जो वे मानवता की सहायता करके शांत करना चाहते थे। जब वे 16 साल के हुए, उन्होंने ग्राम पुनर्निर्माण कार्य, क्यों इतना बड़ा कार्य होता है, को पहली बार महसूस किया था। वे उनके दोस्तों के साथ
पास में कोई ग्राम में गए और उधर के प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाया। इधर उन्हें बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिली और स्कूल ने उनकी एक्टिविटीज को एनकरेज भी किया, मगर वहीं दूसरे ग्राम में जाके उन्हें बाहरी व्यक्ति जैसे महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे सूट में लोगों को टैक्स कलेक्टर मान लिया जाता था। इसके बाद सुभाष की इंडिया के लिए डिस्कवरी शुरू हुई। आशा करते हैं आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। कृपा करके हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।